हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A14 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट अगर स्लो चलता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल फ़ोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। देखिए मोबाइल फ़ोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करने के लिए आपको है ना मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर एक कनेक्शन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर राइट साइड के टॉप पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, 3 डॉट पर टैप करना है। आपका एक छोटा सा पेज आएगा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पर टैप करना है, ठीक है। आपका एक नीचे एक और पेज आएगा रीसेट APN सेटिंग का, इसमें आपको रीसेट पर टैप करना है। तो आपका नीचे लिखा हुआ आएगा APN सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आप रीसेट कर देंगे, तो आपके मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना यह है कि आपको ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है, कभी कभार ये प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे फोन में स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की APN नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है, तो आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये नीचे की साइड रीसेट नेटवर्क सेटिंग के ऑप्शन पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, यहां पर आपको रीसेट पे टैप करना है। तो आपको नीचे लिखा हुआ आएगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो इससे आपके फोन की जो स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको ना अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको ना रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन में स्लो इंटरनेट काम करता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है, आपको है ना अपने फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है, तो अगले पेज में आपको डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आखिरी प्रोसेस करना यह है कि आपको ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन शो होगा, रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा, रीसेट की रीसेट पर टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पर टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना ही प्रोसेस बताया सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।